हेलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेज, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. एक बार फिर से पढ़ता हूँ। Throughout this code, every definition of an offence, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated इन सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि इंडियन पीनल कोड में जितनी भी ऑफेंसेस की डेफिनेशंस हैं, जितने भी पीनल प्रोविजन हैं या जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, आज हम उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडियन पीनल कोड में तीन तरह की चीज़ें हैं। एक तो ऑफेंसेस की डेफिनेशन है। ऑफेंसेस की डेफिनेशन का मतलब काफ़ी सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनमें ऑफेंस की परिभाषा बताई गई है कि ऑफेंस है क्या, जैसे रेप क्या है, जैसे मर्डर क्या है। और कई सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें पीनल प्रोविज़न कहा जाता है, यानी वो सेक्शन ये बताते हैं कि इसमें कितनी सज़ा दी जा सकती है। जैसे सेक्शन 300 बताता है कि मर्डर क्या है, तो वहाँ पे मर्डर की डेफिनेशन है। और सेक्शन 302 बताता है कि मर्डर का पनिशमेंट क्या है। तो सेक्शन 300 डेफिनेशन है और सेक्शन 302 पीनल प्रोविज़न है। इसी तरीके से सेक्शन 375 बताता है कि रेप क्या है, रेप की डेफिनेशन सेक्शन 375 में है, और रेप का कितना पनिशमेंट होगा वो सेक्शन 376 में बताया गया है, तो वहाँ पे वह पीनल प्रोविज़न कहलाता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक हुआ ऑफेंस की डेफिनेशन और दूसरा हुआ पीनल प्रोविज़न। और इलस्ट्रेशन का मतलब है उदाहरण। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे उदाहरण बताए गए हैं डेफिनेशन के साथ और पीनल प्रोविज़न के साथ। तो सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कहता है कि एक आईपीसी के अंदर चैप्टर है जिसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है कि वो अपवाद हैं। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि पूरी आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन है, जितने भी पीनल प्रोविज़न हैं या जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, उन सब के साथ जनरल एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा। हालांकि उन सेक्शंस में जनरल एक्सेप्शन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे सेक्शन 302 की बात करें या सेक्शन 300 की बात करें, सेक्शन 300 मर्डर की बात करता है, सेक्शन 302 में मर्डर की सजा दी जाती है, लेकिन सेक्शन 300 में और सेक्शन 302 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मर्डर करेगा तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में ये लिखा हुआ है कि कभी भी 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो जब भी हम सेक्शन 302 को पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली हम ये अपने आप पढ़ेंगे कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मर्डर करेगा तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा, हालांकि सेक्शन 302 में ऐसा नहीं लिखा है। तो जनरल एक्सेप्शन को अपने आप ही आईपीसी के हर सेक्शन के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से 376 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर इसी तरीके से सेक्शन 379 में कहीं नहीं लिखा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर चोरी करेगा तो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन जनरल एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं माना जाएगा। तो उस प्रोविज़न को हर सेक्शन के साथ हमें अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है जिसने मर्डर किया हुआ है तो पुलिस ऑफिसर को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन ये कहता है कोई व्यक्ति जो कानून के द्वारा बाध्य है किसी काम को करने के लिए उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कहा जाएगा कि उस वह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी है, क्योंकि वह जनरल एक्सेप्शन में आता है। तो सेक्शन 6 सिंपली ये कहता है कि जितने भी पीनल प्रोविज़न हैं,
जितने भी ऑफेंसेस एंड डेफिनेशन के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनके साथ जनरल एक्सेप्शन को हमें ऑटोमेटिकली पढ़ना है। बेशक जनरल एक्सेप्शन हर सेक्शन के साथ रिपीट नहीं किए हुए हैं। इलस्ट्रेशंस बताता हूँ। द सेक्शंस इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैनॉट कमिट सच ऑफेंसेस बट द डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड subject to general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। यह वही उदाहरण है जो अभी मैंने बताया है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि हर सेक्शन के साथ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें हर सेक्शन के साथ ऐसा अपने आप में ही पढ़ना है। तो जितने भी जनरल एक्सेप्शन हैं, जनरल एक्सेप्शन में बहुत सारे सेक्शन हैं जो सेक्शन 76 से शुरू होंगे वो चैप्टर, और उस चैप्टर के सारे जनरल एक्सेप्शंस को हमें पूरी आईपीसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जो पुलिस ऑफिसर वाली उदाहरण मैंने दिया था उसे अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। ये इलस्ट्रेशन में भी है। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू एप्रीहेंड जेड एंड देयर फॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ पर्सन हु इज बाउंड बाई लॉ टू इट। तो सिंपली सेक्शन 6 का मतलब यही है कि जितने भी जनरल एक्सेप्शंस हैं उन जनरल एक्सेप्शंस को आईपीसी के प्रत्येक सेक्शन के साथ हमें ऑटोमेटिकली पढ़ना है। सो सिंपली वी कैन से दैट सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेज दैट ऑल द प्रोविजंस कंटेंट इन द चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस हैव टू बी रेड विद ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच डिस्क्राइब द डेफिनेशंस ऑफ द ऑफेंसेस पीनल प्रोविजंस एंड इलस्ट्रेशंस। दो विद ईच एंड एवरी सेक्शंस जनरल exceptions have not been repeated, but even though the general exceptions have not been repeated with each and every sections of the IPC, even then each and every sections of the IPC are subject to the general exception. That is what the section 6 of the Indian Penal Code says. All right friends, kal milta hu dobara se section 7 Indian Penal Code ke saath. Khush rahein, swasth rahein.